फ्रूट्स यहाँ लेके दरख्तों का जो आलम है राइट साइड पे, क्या नाम है, मैं ये हाईवे 401 के ऊपर हूँ, मुझे मेविस की एग्जिट आने वाली है और उसके बाद रंटारियों से मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। तमाम दरख्तों ने यहाँ पर बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है। सब जगह की बसें मिल जाती हैं, गो से लेके और आपको
होता है कि आपकी जब इस तरह आप चला रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आइस जो है ना आपके वाइपर्स पे जम जाता है, तो दैट इज अनदर हैजर्ड बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर विजिबिलिटी ऑन योर विंडशील्ड। तो उसका बेस्ट ये है या तो आप उतर के हाथ से अपने किसी नैपकिन से या किसी चीज़ से आप अपने वाइपर्स को, उस पर पूरी आइस जम गई है इतनी देर से मैं चला रहा हूँ, साफ़ कर लें, क्योंकि अब ये इस वक्त हाफ काम कर रहा है मेरा वाइपर, ना तो राइट साइड पे फुल मुझे विजिबिलिटी मिल रही है ना लेफ्ट साइड पे। और बीच में ज़रा सी जगह खाली है, तो क्योंकि मैं इतना तेज़ नहीं चला रहा हूँ तो मैं आई एम इन पोजिशन टू ड्राइव, इट्स नॉट दैट, लेकिन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड के आप जो है ना उतर के किसी पार्किंग लॉट में साइड पे सेफ जगह पे अपनी स्क्रीन को विंडशील्ड जो वाइपर्स हैं उनको साफ कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है बिल्कुल ही विजिबिलिटी जो है ज़ीरो होती जा रही है, क्योंकि विंड स्क्रीन जो है ना मेरी साफ नहीं है। तो मैं आगे एक स्ट्रीट आएगी उस पर सेफ साइड पे गाड़ी खड़ी करके मैं इसको हाथ से पकड़ कर वाइपर्स को उठा कर साफ कर लूँगा। देखिए काम नहीं रुक रहा है, वो बेचारी जो है बर्फ़ के अंदर उसने पूरे स्नो शूज़ पहने हुए हैं और वो चल रही है इतनी हैवी ड्यूटी। अभी जो वॉक पे साफ नहीं हुई है तो वो
किए हैं लेकिन इस दांत है। अभी मैं राइट साइड पे देखा है, मेरे सेल फोन पे मैसेज आया है, ड्यू टू सीवियरनेस ऑफ द वेदर आवर ब्रोकरेज इज क्लोज टुडे एट 4 PM। आई मीन इट्स बेटर टू स्टे एट होम, दैट्स द बेस्ट थिंग एंड दैट्स द बॉटम लाइन, बेटर बी सेफ देन सॉरी। इसमें ना तो आप कोई मकान की शोइंग कर सकते हैं, ना अपने क्लाइंट्स को सही तरीके से आप वो कर सकते हैं। अभी मैं 4 दिन पहले की बात बताता हूँ, देर वॉज़ अ पार्टी केम फ्रॉम ओवरसीज और मैं उनको मकान दिखा रहा था, और वो आदि थे गर्म इलाकों के, दुबई वगैरह से आए थे। जैसे ही वो साइडवॉक पे बच्चा आया है, एकदम स्लिप कर गया, बहुत बुरी तरह गिरा। फिर उसकी जो ससुर थे, उनकी वाइफ थी, शी स्लिप्ड, लेकिन चूंकि अच्छे गर्म कपड़े उन लोगों ने पहने हुए थे, उसकी वजह से कोई हैवी इम्पैक्ट नहीं हुआ बॉडी के ऊपर। तो बैर भी सेफ, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा कोई भी नया आदमी जब भी आता है इन मौकों में, अगर वो ना गिरे तो वो बड़ा ही अनयूजुअल होगा। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा शुरू में उसने गिरना ही गिरना, उसको तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि बर्फ़ पे चलना कैसे है। और हमेशा ब्लैक आइस कहीं ना कहीं होती है। अब ये जो बर्फ़ पड़ी हुई है तो उसके नीचे आहिस्ता 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 वो मेल्ट हो के फिर वो जम के और ये वो एक हल्की सी एक लेयर हो जाती है ब्लैक आइस की। तो इसलिए बेटर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इसमें लाइफ टाइम इंजरी हो जाती है। अक्सर लोग गिरते हैं तो लाइफ टाइम कॉलर बोन टूट जाती है, बैक बोन टूट जाती है, शोल्डर ब्लेड्स टूट जाते हैं, आई मीन इट्स वेरी डेंजरस। तो आप देखें यहाँ कितनी वो है, विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये मेरी अब आखिरी वीडियो होगी बर्फ़ से रिलेटेड, अब इससे ज़्यादा तेज़ बर्फ़ तो पड़ने से नहीं कभी भी। तो बर्फ़ काफ़ी खेल लिया, मेरी 3 या 4 वीडियोज़ हो गई हैं बर्फ़ की। अब ये मेरी सामने की बिल्डिंग है जो बिल्कुल सामने नज़र आती थी, हार्डली 500 मीटर्स पे है, ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गई है। 75% तो सही तरीके से नज़र नहीं आ रही ना, विंडोज ना भी पता लग रहा है कि देयर आर 4 बिल्डिंग्स यू कैन सी। सब दरख्तों पे भी काफ़ी एक्युमुलेशन हो गई है, ये बढ़ती जा रही है। फिर यहाँ पर तो मैंने जैसा कह रहा था कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आई है, तो वहाँ पर जब मैं फर्दर